हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो, जो देख सकते हैं हमारे पास एलजी का 15 इंच का टीवी है। इस टीवी का प्रॉब्लम दिखाऊंगा, सोल्यूशन करके भी बताऊंगा। तब तक मेरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूंगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, जब भी मैं नया नया वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। दोस्तों जब मैं इसको एसी कॉर्ड पावर इन करता हूँ, इन करने के बाद जो हमारा पावर इंडिकेटर होता है वो तो जल जाता है। जलने के बाद टीवी जो पिक्चर आना चाहिए वो पिक्चर नहीं है, हमारा इंडिकेटर जल रहा है। लेकिन दोस्तों एक गौर कीजिए, मैं इसको ब्राइटनेस को बंद कर देता हूँ, लाइट को बंद कर देता हूँ। ये देखिए जो हमारा पावर इंडिकेटर है, पावर इंडिकेटर देखिए दीप दीप करके जल रहा है। मतलब दोस्तों इसका पावर को कुछ दबा रहा है, वोल्टेज को दबा रहा है, या हमारा पावर सेक्शन से प्रॉब्लम हो सकता है, आउटपुट सेक्शन से प्रॉब्लम हो सकता है। उसके लिए क्या करूँगा, टीवी को पहले ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद देखेंगे हमारा टीवी पे एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। ठीक है दोस्तों, मैं टीवी को पहले ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद देखेंगे इसका प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। उसके लिए क्या करेंगे, टीवी को पहले पावर दे देंगे। पावर देने के बाद दोस्तों हमारा जो पावर इंडिकेटर जलना चाहिए वो जल रहा है, देख सकते हैं हमारा पावर इंडिकेटर जल रहा है, वो दीप दीप करके ही जल रहा है। उसके बाद क्या करूँगा, मैं पावर सेक्शन का ऑल वोल्टेज को चेक कर लेंगे। एक तो पहले हमारा इस पे वोल्टेज होना चाहिए 110 वोल्ट, इस वाला पॉइंट पे देखिए हमारा 110 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद देखेंगे इस वाला जो 9 वोल्ट का जो पॉइंट है, इस वाला पॉइंट पे 9 वोल्ट। देखिए दोस्तों हमारा 9 वोल्ट यहाँ पे नहीं है, जो हमारा 5.8 होके आ रहा है, कभी 6 हो रहा है। उसके बाद देखेंगे हमारा ए वाला पॉइंट पे जो हमारा 18 वोल्ट तक हो सकता है, वो हमारा वोल्ट आ रहा है 16 वोल्ट। मतलब दोस्तों करीब करीब हमारा वोल्टेज है, लेकिन पूरी तरह से वोल्टेज नहीं है। और ये जो हमारा 110 वोल्ट दिखा रहा है, ये वाला जो हमारा पावर का दीप दीप करके एलईडी जल रहा है, इसीलिए उसे क्या करूँगा, ये आउटपुट सेक्शन को चेक कर लेंगे। देखिए दोस्तों एक हमारा इस वाला फॉइल पे एक जंपिंग करके हमारा इस वाला रेजिस्टेंट पे हमारा वोल्टेज आ रहा है, जो हमारा 110 वोल्ट है। उसके बाद देखिए इस वाला पॉइंट पे जो अगर रेजिस्टेंट भाया करके हमारा इस वाला पॉइंट पे आता है, तब देखिए हमारा कोई भी वोल्टेज नहीं है। मतलब दोस्तों हमारा ए वाला वोल्टेज नहीं होने के कारण हमारा ए वाला जो रेजिस्टेंस दिया गया था वो वाला रेजिस्टेंस हमारा काट चुका है। उसके बाद दोस्तों क्यों ए वाला रेजिस्टेंस क्यों काटा, उसके देखने के लिए मैं क्या करूँगा, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर को पहले चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे हमारा ESD। ये रेजिस्टेंस काटने के कारण ही हमारा LED चल रहा है अभी तक। लेकिन दोस्तों ये जब नई LED रेजिस्टेंस काटता तो आउट हो जाता, तो ये वाला हमारा आउटपुट या हमारा ESD कुछ भी ख़राब हो जाएगा, तो हमारा वो वाला LED नहीं ग्लो करता। इसलिए दोस्तों ये वाला रेजिस्टेंस उड़ गया है, कुछ तो शॉर्टेज है इसीलिए उड़ा है। मैं क्या करूँगा, इस वाला पॉइंट पे मैं एक 100 वाट लैम्प लगा लूँगा, तो अच्छी तरह से पता चल जाएगा हमारा सिस्टम पे वोल्टेज जो आ रहा है वो सही तरीके से वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, मैं एक लैम्प लगा लेता हूँ। दोस्तों मैंने इस वाला पॉइंट पे मैं एक 100 वाट लैम्प लगा चुका हूँ, और मैं पावर देने के बाद दोस्तों देखिए हमारा जो लैम्प है अच्छी तरह से ग्लो हो रहा है, और हमारा सिस्टम पे वोल्टेज भी निकल रहा है। और देखिए हमारा जो 110 वोल्ट का जो पॉइंट था वो 110 वोल्ट ही आ रहा है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा 9 वोल्ट के जगह पे हमारा 6 वोल्ट तक आ रहा था, उस वाला पॉइंट पे देखिए हमारा अब 10 वोल्ट तक आ चुका है। मतलब हमारा ये जो पावर सेक्शन है, पावर सेक्शन पे कोई लोड नहीं था, इसीलिए हमारा वोल्टेज सही तरीके से नहीं निकल रहा था। और देखिए हमारा साउंड सिस्टम के देखिए हमारा 16 वोल्ट आ चुका है, तो सही है वोल्टेज साउंड सिस्टम के लिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग चेक करेंगे क्या, ये वाला जो रेजिस्टेंस हमारा उड़ गया था, क्यों उड़ा, हमारा आउटपुट सेक्शन पे क्या प्रॉब्लम है इसीलिए हमारा ये वाला रेजिस्टेंस उड़ा। इसीलिए क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर को अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। उसके बाद मैं इसको खोल के ओपन कर लूँगा। ओपन करके मैं इस पर लाइन एक रेजिस्टेंस लगा के देखूँगा, और इस पर शॉर्ट क्या है वो चेक कर लूँगा। दोस्तों देखिए मैं अभी तक मेरा ये ग्राउंड पे एक कॉल लगाया हुआ है, और मैं इस पर चेक करता हूँ।
इस वाला पॉइंट पे चेक करता हूँ, मैं बाजार पे राख लेता हूँ मीटर को, और इस वाला पॉइंट पे देखिए हमारा मीटर शो हो रहा है, मतलब हमारा ESD सेक्शन पे कुछ तो शॉर्टेज है, इसीलिए हमारा जो इस वाला पॉइंट पे जो हॉट सेक्शन होता है या हमारा B+ होता है, उस B+ को हमारा गाउन से शॉर्टेज कर दिया है। ये वाला हमारा गाउन का पिन है, लेकिन इस वाला पॉइंट हमारा B+ है, ये B+ और हमारा ग्राउंड शॉर्टेज हो गया है, इसीलिए चेक करेंगे पहले आउटपुट ट्रांजिस्टर का ओपन करेंगे। अब कभी कभी क्या हो जाता है, हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्टेज हो जाता है, या हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर सही रहता है और हमारा जो ESD होता है, ESD अंदर से जो कॉयल है वो कॉयल आपस में जुड़ जाता है, इसीलिए हमारा जो ग्राउंड के साथ ये वाला पॉइंट पे हमारा शॉर्टेज हो जाता है। मैं क्या करता हूँ, ये वाला पॉइंट को ओपन कर लेता हूँ, ओपन करने के बाद ही पता चल जाएगा हमारा सिस्टम पे क्या फॉल्ट है। ठीक है दोस्तों, मैं ओपन करके देख लेता हूँ। दोस्तों मैंने ये वाला पॉइंट जो हमारा ट्रांजिस्टर लगाया था, आउटपुट ट्रांजिस्टर, इस ट्रांजिस्टर को मैंने ओपन कर चुका हूँ। ये रहा ट्रांजिस्टर, और एक चीज़ देखिए, जो हमारा ग्राउंड के साथ जो हमारा मीटर शो कर रहा था, और इस वाला पॉइंट पे भी हमारा जो हाई वोल्टेज पे अभी भी हमारा साउंड ग्लो कर रहा था, साउंड हो रहा था, और B+ पे साउंड जो बाजार बाज रहा था, लेकिन अभी वो ट्रांजिस्टर ओपन कर देने से हमारा ESD पे कोई भी बाजार नहीं बाज रहा है। मतलब दोस्तों हमारा ESD सही होना चाहिए और आउटपुट ट्रांजिस्टर ही हमारा ख़राब है। देखिए दोस्तों, हमारा दोनों पॉइंट हमारा ग्राउंड है, इसीलिए हमारा बाजार बाज रहा है, लेकिन इस वाला पॉइंट पे हमारा बाजार नहीं बाज रहा है। मतलब हमारा ये वाला जो आउटपुट ट्रांजिस्टर, मैंने इसको भी चेक कर लिया हूँ, चेक करने से पता चला ये वाला हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर ख़राब हो चुका है। इसका नंबर दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, देखिए C6093 ये वाला ट्रांजिस्टर था। इस ट्रांजिस्टर को नया वाला एक ट्रांजिस्टर निकाल के मैं इस पर लगा लूँगा, इस पर जो पॉइंट था उस पर कनेक्ट कर लूँगा, तो पता चल जाएगा हमारा सिस्टम पे और क्या प्रॉब्लम है, या हमारा सिस्टम चालू हो गया है। और ये वाला जो रेजिस्टेंस ख़राब हो चुका है, रेजिस्टेंस को नया लगाना पड़ेगा, मैं नया रेजिस्टेंस लगा लूँगा। ठीक है दोस्तों, इसको ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस लगा के हम लोग देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं मैं एक रेजिस्टेंस लगा चुका हूँ, और ये हमारा पॉइंट ओम्स का रेजिस्टेंस है, और जो हमारा 9093 का जो हमारा ट्रांजिस्टर उड़ चुका था, वो वाला 6093 का जो ट्रांजिस्टर उड़ चुका था, वो वाला ट्रांजिस्टर को भी लगा चुका हूँ। लगाने के बाद दोस्तों एक चीज़ देखिए, मैं चेक कर रहा था जो तब मेरा TV पे जो पावर आ रहा था, इस वाला पॉइंट पे हमारा जो वोल्टेज आ रहा था जो 110 वोल्ट होके, वो वाला वोल्टेज भी नहीं है, और हमारा पूरी तरह से सभी पावर का सभी वोल्टेज हमारा बैठ चुका है। मतलब दोस्तों हमारा सेक्शन पे कुछ प्रॉब्लम है और कुछ धुआं सा निकल रहा है, जो हमारा सिस्टम का प्रॉब्लम आ गया है। और इसी प्रॉब्लम के लिए हमारा जो LED है, LED ग्लो कर रहा था, और हमारा जो दीप दीप करके जल रहा था, और हमारा PCB से कुछ हमारा स्पार्किंग का प्रॉब्लम आया है, जो आउटपुट ट्रांजिस्टर, आउटपुट ESD सभी हमारा हीटिंग हो गया है। ये वाला भी हीट हो रहा है, ये वाला हीट हो रहा है, कुछ तो शॉर्टेज है, इसीलिए हमारा प्रॉब्लम है। मैं चेक करके आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों मैंने इस वाला रजिस्ट्रेशन को फिर से ओपन कर चुका हूँ, ओपन करने के बाद जब मैं चेक किया तो 110 वोल्ट का जो पॉइंट है, उस 110 पॉइंट पे हमारा वोल्टेज आ रहा है, और हमारा आउटपुट सेक्शन पे फिर से हमारा सिस्टम शॉर्ट हो गया है। देखिए दोस्तों, हमारा फिर से सिस्टम शॉर्ट हो गया है, मतलब हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर फिर से उड़ चुका है, और उड़ने के कारण हमारा ये वाला ESD हो सकता है। इसीलिए क्या करेंगे, ये वाला ESD को चेक करेंगे, चेक करके आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों मेरा जो बूस्ट जो आउटपुट ट्रांजिस्टर बार बार उड़ जाता था, वो वाला ट्रांजिस्टर का नंबर था C6093 का, ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा एक बार उड़ चुका था, इसीलिए मैं क्या किया, इस पर एक बड़ा वाला ट्रांजिस्टर लगाया। जो ट्रांजिस्टर का नंबर आप लोग शायद जानते हैं, देख सकते हैं हमारा 2499 का मैं एक बड़ा वाला ट्रांजिस्टर लगाया हूँ। ये 2499 और ये वाला 6093 का ट्रांजिस्टर सेम ट्रांजिस्टर है, ये बड़ा साइज है, ये छोटा साइज है, इसीलिए छोटा जगह पे हमारा ये 6093 का लगाया हुआ था। मैंने ये बूस्ट PF को भी ओपन करके मैंने उसको DC टेस्टर से चेक किया था, उसके बाद पता चला ये वाला बूस्ट PF हमारा सही है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ रह गया है, जो जिसके लिए हमारा ये ट्रांजिस्टर उड़ गया था,
वो था हमारा वर्टिकल आईसी। ये वर्टिकल आईसी का जो दोनों वोल्टेज होता है, जो प्लस 14 माइनस 14 होता है, वो प्लस 14 पे हमारा वोल्टेज तो आ जा रहा था, ये वाला पॉइंट पे हमारा वोल्टेज प्लस 14 आ रहा था, लेकिन आने के बाद दोस्तों ये वाला वोल्टेज हमारा शॉर्ट होके बैठ गया था, क्योंकि ये वाला जो हमारा आईसी का जो दोनों पॉइंट है, ये वाला जो डायोड से हमारा वोल्टेज देके हमारा ये दोनों पॉइंट पे हमारा वोल्टेज दिया जा रहा है जो प्लस 14, वो दोनों प्लस 14 एक साथ जुड़ गया था। ये जो हमारा जो वर्टिकल ट्रांजिस्टर को जो आईसी को जो मैंने चेंज कर दिया हूँ, इसका जो फोर लेग का जो होता है, ये बड़ा पकड़ के चलिए, तो ये दोनों पिन हमारा शॉर्ट निकला। ये शॉर्ट हो जाने से ही हमारा वोल्टेज स्टॉक हो जाता था और हो जाने के बाद ही हमारा ईएसटी का जो फ्लिप हमारा वोल्टेज जाना चाहिए, वो वोल्टेज नहीं जाने के कारण ही हमारा ईएसटी पे लोड पड़ता और हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर उड़ जाता। इसीलिए हमारा ये वाला रेजिस्टेंस भी उड़ गया था और हमारा वोल्टेज भी नहीं आ रहा था। और मैं क्या करूँगा, टीवी को स्टार्टिंग करके आप लोगों को दिखाऊँगा। मैं इस पर छोटा सा ट्रांजिस्टर फिर से लगा लूँगा जो 6093 का, उसके पहले मैं आप लोगों को सिस्टम चेक करवा देता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा ये वाला रेजिस्टेंस उड़ने के बाद इस पॉइंट पे वोल्टेज नहीं था। देखिए हमारा 110 वोल्टेज आ चुका है और रेजिस्टेंस लगाने के बाद। उसके बाद दोस्तों चेक करवा दूंगा हमारा टीवी पे, हमारा पिक्चर देखिए आ चुका है, मतलब हमारा टीवी पे टीवी जो स्टार्टिंग नहीं था वो टीवी स्टार्टिंग हो चुका है। और एक चीज़ रह गया है, वोल्टेज दोनों को चेक करवा देता हूँ। एक तो हमारा वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे 180 वोल्ट के जगह पे 170 है, और हमारा 14 वोल्ट आता है इस वाला पॉइंट पे, 14 वोल्ट प्लस, देखिए हमारा 14 वोल्ट प्लस और 14 वोल्ट माइनस ये वाला पॉइंट पे, हमारा जो वर्टिकल आईसी को काम करवाने के लिए। वो वोल्टेज सही हो जाने से ही हमारा आईसी काम करने से हमारा सिस्टम सही तरीके से चालू हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।